अगर आपने हम टीवी के अपकमिंग ड्रामे एतबार के टीज़र देखे हैं, एक ही टीज़र आया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं इतना सिर्फ कि इसमें और मेरे पास तुमों की स्टोरी में क्या फ़र्क है। मतलब वही हमें दिखाया गया था ना, एक मियाँ बीवी है जो इकट्ठे रह रहे हैं, बड़ा आपस में प्यार करते हैं, उनकी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई थी, लेकिन इसकी स्टोरी भी तकरीबन सेम होने वाली, अगर तकरीबन ही सेम होती तो 70-80% तकरीबन सेम होगी। इसमें जो आपको अली सफीना देखने को मिलेंगे वो आपको नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे, और जो मतलब बाकी दो स्टारकास्ट में है वो आपको देखने को मिलेंगे सैयद जिब्रान और जरनिश खान। ये पेयर तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लेकिन स्टोरी कुछ मतलब फ्रेश नहीं लग रही, वही ओल्ड टिपिकल सोप सीरियल्स की वाइब्स आ रही हैं। इसको डायरेक्ट करें नदीम सिद्दीकी, और ये ड्रामा हम टीवी पर तकरीबन अब से 1-1.5 हफ्ते के बाद आपको किसी सोप सीरियल को रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा। और ये जो सोप सीरियल है, कोई सोप सीरियल नहीं है जिसको ये रिप्लेस करेगा। ख्वाब टूट जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि मिनी सीरीज होने वाली है, उसको ये रिप्लेस करेगा। तो बाकी ज़रूर बताएं कि आपको टीज़र कैसे लगे। आप मेरे वाली जो थ्योरी है मेरे पास तुम वो तकरीबन उससे मिलती जुलती कहानी है, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? अगर आप ये ड्रामा देखते हैं तो किस वजह से देखेंगे? सैयद जिब्रान के लिए देखेंगे, जरनिश खान के लिए, अली सफीना के लिए, जिनका चुपके चुपके में एक कॉमिक किरदार था वो इसमें एक नेगेटिव शेड में नजर आएंगे, या आप ये ड्रामा स्किप करेंगे तो क्यों करेंगे वो भी बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किस्त वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।